हेलो स्टूडेंट, बड़ी अपडेट है आप सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। आज इग्नू ने जनवरी 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में री रजिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं जो पोर्टल में इश्यू आ रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं। अभी अगर आप पोर्टल देखते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2022 सेशन, लास्ट डेट 30 सितंबर। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जनवरी 2023 सेशन के लिए आप लोग री रजिस्ट्रेट कैसे और कहां से कर पाएंगे, बिकॉज ये पोर्टल पे आप देखते हैं तो जुलाई 2022 लिखा आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आपके जनवरी 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। सबसे पहले वो सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में बात करूं, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनका री रजिस्ट्रेशन टाइम कंप्लीट हो चुका है, वो री रजिस्टर्ड कर पाएंगे। री रजिस्ट्रेशन सिंपली अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो आपका नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर के लिए इनरोलमेंट होता है। तो आपने अगर प्रीवियसली री रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, जैसे कि जुलाई 2022 सेशन में, तो आप जनवरी 2023 जो अब स्टार्ट हुए हैं 14 नवंबर 2022 से, आप इसमें रजिस्टर्ड कर पाएंगे। अब खैर आगे बात करता हूँ कि री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी जो लिंक है वो कहाँ से मिलेगा, साथ ही साथ लास्ट डेट क्या है और भी कई सारे पॉइंट, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएंगे, बिकॉज रीजनल सेंटर की ओर से ये अपडेट जारी हुई है और इग्नू के हेड ऑफिस से है। बेसिकली होता क्या है कि ये पोर्टल्स जो हैं इनमें अपडेट होने में टाइम लगता है और इग्नू की ओर से इनको थोड़ा लेट अपडेट किया जाता है। बेसिकली ईमेल आ चुका है इसके रिगार्डिंग, ईमेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके जो री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी 2023 सेशन के रिगार्डिंग। आज यानी कि 14 नवंबर 2022 से इस प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपको री रजिस्ट्रेट करना है जनवरी 2023 सेशन के अंदर। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि यहाँ पर लेट फीस का कोई इशू नहीं है। देखिए, अगर आप लास्ट डेट के बाद में अप्लाई करते हो तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको नेक्स्ट सेशन में ही अप्लाई करना होगा, वहाँ पे आप लेट फीस के साथ नहीं कर सकते जैसे एग्जाम फॉर्म में होगा। सो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं इसको टाइम से सबमिट कर दें, अदरवाइज आपका जो सेशन है वो 6 मंथ ये आपका डिले हो जाएगा। स्टूडेंट, ये तो रही आपकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग के बारे में अपडेट। अब बात करते हैं पोर्टल पर आप कैसे जाएंगे और कैसे रजिस्टर्ड करना है, वो सारे पॉइंट और समझ लेते हैं। देखिए, सिंपली आपको इग्नू की प्रोफाइल पे आना है, इग्नू की मेन वेबसाइट पर आप रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस वाले पोर्टल पे आएंगे। अब यहाँ पे अपडेट होना बाकी है, पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा जनवरी 2023 सेशन, लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर। ओके, अब आगे का जो प्रोसेस रहता है उसमें आपको सिंपली यहाँ पे आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, आप वैसे तो रीड कर लेना, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ से क्लिक एंड प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिक आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आप अगर पहली बार आए हो इस पोर्टल पे तो आपको रजिस्टर्ड करें, रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपका वैलिड जो आपने रजिस्टर्ड किया उससे करेंगे, उस पर ओटीपी आएगा जिसके जरिए आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में आपको कोर्सेस सिलेक्ट करने हैं और केयरफुली करना, बिकॉज कई बार आप गलत कोर्स सिलेक्ट कर लेते हो तो उससे आपको इश्यूज़ आएंगे। आप लोग अपनी कंफर्टेबली के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और जो इंटरेस्ट है आपका, जिस कोर्स में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा आपको लास्ट डेट से पहले करना है, बिकॉज अगर आप डिले करते हो जैसे कि मैंने बताया आपका 6 मंथ ऑलरेडी वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। और एक और पॉइंट, कई बार इग्नू के पोर्टल्स में इशू आता है पेमेंट के जरिए, तो आप लोग अगर पेमेंट कर देते हो तो आप वेट कर लो कुछ टाइम, आप फ्रिक्वेंटली दूसरी पेमेंट ना करें, अदरवाइज आपकी पेमेंट जो है पैसों में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऐसा मत करना, आप वेट कर लेना। ओके, अब क्या होगा कि अगर आपकी जो पेमेंट है दो टाइम्स हो जाए तो एक पेमेंट आपकी रिफंड हो जाएगी, लेकिन अपनी ओर से मत करना क्योंकि इसमें टाइम कितना लगेगा होगी या नहीं वो भी ये देखने वाली बात है। ओके, 7th पॉइंट, इन केस यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज, साइबर कैफे और अदर आउटलेट फॉर सबमिशन ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज इंश्योर दैट द कोर्स हैव बीन करेक्टली चूजन। देखो, मैं हर बार कहता हूँ, आप किसी से भी और बार हो, भैया से, बुआ से, फूफा से, किसी से भी फॉर्म फिल करा लो, कोर्सेज आप खुद ही सिलेक्ट कर लो, आप लोग देख लो,
कि ये कोर्सेज मुझे पढ़ने हैं, उन्हीं कोर्सेज को आप सिलेक्ट करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी और के दबाव में ना आकर कि ये कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं। आपको इंटरेस्ट है आप उन कोर्सेज को लीजिए, क्योंकि कोर्सेज सभी अच्छे हैं। ओके ऑल राइट, अब आपको करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस वाले पोर्टल पर आएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद में अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप सिंपली साइन अप कर पाएंगे। यूज़र नेम आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, पासवर्ड आप जो भी सिलेक्ट करते हैं वो आपका पासवर्ड रहता है। देन उसके बाद में आपका ये कैप्चा फिल करना है एंड देन लॉग इन कर लेना है। अब वो स्टूडेंट जो न्यू रजिस्टर्ड हैं यानी जो पहली बार री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, देखिए तो आपको इस पेज पे आना है। बेसिकली आप यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उस पे आप आएंगे। उस पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, अपना नेम एंटर करना है एंड इनरोलमेंट नंबर, कैप्चा फिल करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल और एसएमएस पर, ठीक है, आपको वो रजिस्टर्ड करना है एंड देन पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ये प्रोसेस रहेगा। एक और पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं उनके लिए रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप लोग सिंपली रीसेट कर पाएंगे। उसमें आपको सिंपली प्रोग्राम कोड एंटर करना है, एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है एंड सबमिट कर देना। उसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड उस पर एक मेल जाएगा, उसमें एक ओटीपी होगा, उसे आप फिल करके अपने पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे, देन फिर सिंपली आप लॉगिन कर लेंगे। तो ये रहेगा प्रोसेस। बाकी कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एक कैटेगरी में, एक स्पेसिफाइड वीडियो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूँगा। वीडियो जल्दी अपडेट कर दी जाए चैनल पे, जरूर से चेकआउट करना। उसमें फ़ीस के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्या क्या प्रोसीजर है और भी कई सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करनी थी कि री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस अपडेट में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी स्टूडेंट के साथ में। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए थे तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और साथ ही साथ यार फॉलो भी कर लो ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं एक और अपडेट में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।